हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वेश्चन मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, साथ ही एक बेस सेटअप करने की कोशिश की थी इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। तो आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन आज कंटिन्यू करेंगे फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल से। ये टॉपिक बहुत ही छोटा और इजी है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको 2 या 1 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक टर्म रिकॉल कर लेते हैं, जो है डिग्री, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे डिग्री बोलते हैं, और उतने ही उसके जीरोस यानी वैल्यूज होती हैं उस वेरिएबल की। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी क्लियर किया था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आगे भी काम आएगी। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, तो इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 2। और इसकी जो x की वैल्यूज है यानी x की जो जीरोस है, यानी इस इक्वेशन के जो जीरोस है, x की जो वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी, यानी इसके 2 जीरोस होंगे जिनकी वैल्यू फाइंड करना हम आगे सीखेंगे। तो ये टर्म थी डिग्री, और एक और टर्म है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, यानी इसमें केवल कांस्टेंट हो। सपोज 5 - 5 - 2 - 3, क्योंकि ऐसी इन इक्वेशंस में वेरिएबल है नहीं, और वेरिएबल की सपोज x की पावर 0 यानी 1, तो अगर मैं 5x की पावर 0 लिखूंगा तो वो क्या होगा 5। तो ऐसी इक्वेशंस यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्लियर है? इसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस हैं आपके, 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्लियर है? अब फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से होगा। 1 नंबर के लिए, फाइंड वैल्यू ऑफ 5x² - 3x + 7 एट x = 1। यानी एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, उसके वेरिएबल की एक वैल्यू दे रखी है, यानी उसका एक जीरो दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, 1 नंबर में करना क्या है, बस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो सपोज x² यानी x का क्या है 1 - 3 × 1 + 7, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 × 1 = 1 - 3 + 7। 5 - 3 कितना होगा 2 +7 = 9। सिंपल, इतना करने पर 1 नंबर आपका पक्का, ठीक है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 3y³ - 4y + √11 एट y = 2, ठीक। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है, तो सेम वही, y की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है आपको, सीधे पुट करेंगे तो 3 × 2³ - 4 × 2 + √11। सिंपल, तो 3 × 2³ = 8, -4 × 2 = 8 + √11, ठीक है। 3 8 = 24 - 8 + √11, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 - 8 = 16 + √11, ठीक। रूट नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। रूट नंबर्स को ऐड करने के लिए एलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने क्लास 9th की वीडियो में बताई थी। तो कुछ इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन 1 नंबर के लिए फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल सा टॉपिक है 1 नंबर के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ।
तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको खुद को चेक करने के लिए करने हैं, आप इन्हें नोट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो इस पूरे चैप्टर से या किसी और चैप्टर से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।